मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के खलियार में राधा स्वामी सत्संग ब्यास कोविड समर्पित मेक शिफ्ट स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में 200 पूर्ण ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 20 बिस्तरों की क्षमता का गंभीर रोगी वार्ड तथा केंद्रीय ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल में गर्म व ठंडे पानी की सुविधा वाले अलग अलग वॉशरूम, मरीजों के आराम के लिए लाउंज, उपचार संगीत, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और रोगियों के लिए गर्म व ठंडे पानी के आरओ की सुविधा उपलब्ध है। इसमें 16 सीसीटीवी और स्वचालित स्विच ओवर पावर बैकअप जेन सेट और ऑन द स्पॉट लैब की सुविधा है, जिसे 140 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो हमारे सामने, उस दृष्टि से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, बेड कैपेसिटी को भी, और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में ऑक्सीजन से युक्त जो है बेड जो है वो कहाँ लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं। उस दृष्टि से जहाँ नेर चौक मेडिकल कॉलेज की बात है, वो तो हमने पूरा का पूरा डेट किया और उसके साथ में रत्ती जो CSC है वो भी डेडिकेट किया कोविड के, BBMB का सुंदरनगर का रेस्टोरेंट वो भी डेडिकेट किया, और उसके बाद सुंदरनगर में ही MCH का जो नया भवन अभी हाल ही में हमने उद्घाटन किया जिसका, वो भी हमने डेडिकेट किया। लेकिन जिस प्रकार से मामले बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हुआ हमें कि भी और ज़्यादा हमको अभी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने मंडी के अंतर्गत यहाँ राधा स्वामी सत्संग का ये स्थान है जहाँ भी हम हैं, यहाँ 200 बेड कैपेसिटी के साथ एक फैसिलिटी कोविड के पेशेंट के लिए हमने आज उपलब्ध करवाई है, और मुझे लगता है कि ऐसे संकट के क्षण में ये सुविधा बहुत उपयोगी साबित होगी। हालांकि हमने मेडिकल कॉलेज नेर चौक के साथ में 100 बेड का एक अतिरिक्त फैसिलिटी जो है बना करके हमने मेकशिफ्ट के तहत वहाँ पर भी तैयार की है, वो भी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं, और यहाँ मंडी में हम देख रहे हैं कुल्लू जिला का पूरा लोड मंडी आता है, जो रेफर केसेस होते हैं बिलासपुर का लोड यहाँ आता है, ऐसी सूरत में हमीरपुर का भी यहाँ आता है काफ़ी अच्छा, तो ऐसी सूरत में यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हमने कोशिश की। और पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात को भी लेकर के संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में अब थोड़ी रुकावट आई है, हम एकदम फ्लैट ऑफ जिसको बोल सकते हैं, यानी कि फ्लैट इस पर चल रहे हैं, जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने ही लगभग जो है हमारे रिकवर हो रहे हैं, हालांकि उससे ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। पिछले दिनों हम 41,000 का आंकड़ा हम तक किया था एक्टिव केसेस का, लेकिन अभी हम 36,000 पर 36,000 पर आए। तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद तो करनी चाहिए हमको कि आने वाले समय में अब ये ग्राफ डाउन आएगा, नीचे आएगा, ऐसी जो सुविधाएं जो और जब ने की हैं इनकी ज़रूरत कितनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तैयारी की दृष्टि से ये आवश्यक है वो हमने वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो इसमें ही नहीं है, वैक्सीनेशन के इसमें हम वेस्टेज के हिसाब से भी हम ये ऐसा पूरे देश भर में जहाँ सबसे कम वेस्टेज है हो रही है उन 2-3 प्रदेशों में भी हिमाचल प्रदेश एक है। जहाँ तक दूसरा फेज हमारा भी शुरू हुआ है 18 से 18 वर्ष से हमारा 44 वर्ष तक का, उसके लिए हमने शुरू की है, पिछले कल से शुरुआत की है, और हमको जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसको हमने प्लान किया है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जिसको संदेश जाता है तो उस तरह से उनको हम बुला रहे हैं, वो वैक्सीन का अभियान चल रहा है। जैसे हमको उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ेगी, और हमने केंद्र के साथ इस मामले को लेकर के बात की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना संभव हो पाएगा हम प्रयत्न करेंगे, और जैसे उपलब्धता वैक्सीन की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसको भी तेजी लाएगी। कोई टारगेट उपलब्धता पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सर ये कह रहा हूँ आपको कि इससे पहले हमने कांगड़ा में शुरू किया, कांगड़ा की तो बहुत बड़ी कैपेसिटी, यहाँ तो 200 बेड की कैपेसिटी का हमने बनाया ये, लेकिन कांगड़ा में जो 250 की कैपेसिटी के साथ फर्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद अगर उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो वो 1,000 से भी 2,000 तक भी जा सकता है, वो भी राधा स्वामी सत्संग की ओर से ही हमको एक स्थान पर उनका है, वहाँ पर उन्हें वो काम करने का मौका दिया, और मैं समझता हूँ कि मेरी बात अधूरी रहेगी, मैं राधा स्वामी सत्संग के सभी जो जितने भी दायित्ववान लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके जो गुरु जी हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, यहाँ पर भी मंडी में भी, कांगड़ा के परौर में भी, और सोलन में भी,
तीनों स्थान में जो है उनने उनको अपना स्थान दिया है और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। मंडी से जिला ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।